तो आज हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे 74वां स्वतंत्रता दिवस हुआ उस पर देखा है आपने प्रधानमंत्री साहब ने डिजिटल इंडिया या डिजिटल भारत को ध्यान में रखते हुए क्या क्या घोषणाएं की हुई है, उसकी से संबंधित आपके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि डिजिटल इंडिया या फिर आपका डेटा जो भी है इस तरह की प्रावधान, ये आज की इस टाइम में 21वीं सदी में बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुके हैं। अगर आप ही सोच लीजिए आपके पास नेट की सुविधा नहीं है तो मुझे लगता है कि आप दुनिया से कटे कटे महसूस करते हैं, समझ रहे हैं। तो आप डेटा का किस तरह से उपलब्ध कराना, अपनी सिक्योरिटी के सिक्योरिटी मतलब आप समझ सकते हैं सुरक्षा सिक्योरिटी किस तरह से हो सकती है, और भी जो भी प्रावधान होंगे उन्हें हम लोग बात करते हैं। 74वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा डिजिटल इंडिया पहल से जुड़ी तीन बड़ी परियोजनाओं, इसमें राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, इस पर भी बहुत बढ़िया पॉइंट है और मुझे लगा है कि ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था। राष्ट्रीय जो साइबर सुरक्षा नीति 2020 है और 1000 दिनों में सभी 6 लाख गांवों में ग्रामों में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की घोषणा की है प्रधानमंत्री साहब ने। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी। भारत नेट परियोजना की शुरुआत अक्टूबर 2011 में की गई थी, जिसे मूल रूप से नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क नाम से जाना जाता है। देश भर के 2.5 यानी कि 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से नेटवर्क से जोड़ने के लिए केंद्र द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम भारत नेट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। परियोजनाओं को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की राजधानी, जिला मुख्यालय, ब्लॉकों में उपलब्ध फाइबर कनेक्टिविटी का प्रत्येक ग्राम पंचायत तक विस्तार करना है। आप ही सोच लीजिए, आपने अभी सुना होगा कि ऑनलाइन क्लासें चलने लगी हैं बच्चों की, तो एमपी का ही उदाहरण देता हूं। अभी आप सोचिए कि 25 से 30% केवल छात्र मतलब ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, वहां जो भी आपने देखा है कि अभी शुरू किया गया था। तो क्योंकि आप देख रहे हैं कि नेट की सुविधा गांव में नहीं है, बेहतर डाटा भी नहीं मिल सकता है, तो इस तरह की हमें सेवाएं पहले देनी होगी, सबसे निचले तबके तक पहुंचाने होंगे, उसी के बाद हम लोग एक तरह से मान सकते हैं कि डिजिटल इंडिया सफल हो सकता है, या फिर आप सोचिए इस तरह की जो भी ऑनलाइन सुविधाएं हैं उन्हें हम लोग सक्सेस कर सकते हैं, सफलता प्राप्त हो सकती है। परियोजनाओं के माध्यम से भारत की 69% ग्रामीण आबादी को ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं प्रदान की जाएगी, और आप भी जानते हैं कि एक बहुत बड़ी खास जनसंख्या हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करती है। परियोजनाओं को विभिन्न चरणों के तहत लागू किया जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत की बात करें तो 42,068 करोड़ रुपए है। कितना? 42,068 करोड़ रुपए। प्रथम चरण की बात करें तो भारत नेट परियोजना के प्रथम चरण को जून 2014 में प्रारंभ किया गया था, जिसके लक्ष्य को दिसंबर 2017 तक पूरा कर लिया। इस चरण में 1 लाख पंचायतों के ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी के लक्ष्य की तुलना में 1,22,908 पंचायतों की कनेक्टिविटी की गई, जिसकी कुल लागत 11,200 करोड़ रुपए थी। द्वितीय चरण की बात करें तो द्वितीय चरण में शेष 1,29,827 ग्राम पंचायतों को मार्च 2020 तक कवर किया जाना था, जिसकी समय सीमा को बढ़ाकर अगस्त 2021 तक कर दिया गया है। इस चरण में जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे अधिक दुर्गम स्थानों को कवर किया जाएगा। इनके लिए न केवल भूमिगत फाइबर केवल अपितु इसमें हवाई फाइबर, रेडियो और उपग्रह आधारित कनेक्टिविटी भी शामिल है आपकी। पर आपने सुना होगा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। भारत में डिजिटल स्वास्थ्य और अवसंरचना का प्रारंभ 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना के प्रस्ताव से माना जाता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष सत्य नारायण की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा जुलाई 2019 में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का ब्लू प्रिंट जारी किया गया। 7 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की दिशा में नवीनतम रणनीतिक दस्तावेज जारी किए गए हैं। आप याद रखिए, ये नई गवर्नमेंट जब से हमारे देश में आई हुई है तो आप समझिए बहुत कुछ बदलने को देखा जा रहा है। उन आप समझ सकते हैं कि उन क्षेत्रों में भी
एक तरह से योगदान ध्यान दिया जा रहा है जो हमारी देश की तरक्की में या विकसित होने में मेन आधार हो सकते हैं। नवीन राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की बात करें तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन एक पूर्ण डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र होगा जिसके तहत चार प्रमुख डिजिटल पहले हेल्थ आईडी, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजी डॉक्टर और स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री को लॉन्च किया जाएगा। नवीन आपका जो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन रणनीतिक दस्तावेजों में डॉक्टर, अस्पतालों, फार्मेसियों और बीमा कंपनियों द्वारा डिजिटल रजिस्ट्री का निर्माण करने, डिजिटल व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखने, डिजिटल नैदानिक निर्णय प्रणालियों की रूपरेखा विस्तृत की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आईडी प्रणाली की भी चर्चा की गई है जिसमें रोगी अपने डेटा को अस्पतालों और डॉक्टरों के बीच डिजिटल रूप से साझा कर सकता है। आप कहिए, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि किसी की तबीयत खराब होती है, किसी को मतलब कहीं इलाज चलता है, तो एक उसकी प्रोफाइल बना दी जाएगी, समझ रहे हैं, कि उसे एक आईडी दे दी जाएगी और वो किसी और दूसरे डॉक्टर के पास जाता है या फिर एक शहर से दूसरे शहर जाता है, तो उसे ज्यादा कुछ भरकम भारी भरकम आप सोचिए कागज जो भी उसके रिपोर्टें हैं उन्हें ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे कुछ डॉक्टर को बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग हिचकिचाते हैं अपनी प्रॉब्लम बताने में। तो डॉक्टर जैसे ही एंटर करेगा उस आईडी को, उसकी सभी मतलब आपकी पुरानी जो भी रिपोर्टें हुई है, जो भी आपका इलाज हुआ है, उस सब के बारे में पता चल जाएगा। ये बहुत बढ़िया, एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आईडी प्रणाली, राष्ट्रीय स्वास्थ्य आईडी प्रणाली निर्माण का उद्देश्य व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी को भविष्य में उपयोग हेतु संग्रहित करना है। प्रत्येक रोगी जो अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराना चाहता है उसे प्रारंभ में एक हेल्थ आईडी बनानी होगी। प्रत्येक हेल्थ आईडी को रोगी की सहमति से व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड मॉड्यूल से जोड़ा जाएगा। हेल्थ आईडी निर्माण के लिए व्यक्ति व्यक्ति से संबंधित मूलभूत जानकारी और मोबाइल नंबर या फिर आधार संख्या को आवश्यकता होगी कि इसकी आवश्यकता होगी, आधार कार्ड या फिर मोबाइल नंबर या कोई और मूलभूत जानकारी। फिर तीसरा है आपका इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2020। वर्तमान साइबर सुरक्षा नीति 2013 के स्थान पर नवीन साइबर सुरक्षा नीति 2020 लागू की जाएगी। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020 के तहत जनवरी 2020 तक सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी गई थी। अभी भी आप देख रहे हैं किस तरह से साइबर हमले किए जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि चाइना से भी हमारा पड़ोसी है, इससे भी कई तरह के हमले देखने को मिले हैं। अभी नवीन साइबर नीति संसदीय संयुक्त समिति के तहत विचाराधीन डेटा संरक्षण कानून जो डेटा स्थानीयकरण को अनिवार्य करता है कि प्रावधानों को भी प्रभावित कर सकती है। और एक बात आप लोग समझिए, इस समय डेटा सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी जो भी जानकारी है अगर दूसरे के तक पहुंच जाती है तो वो उसका मिसयूज कर सकता है, उसका यानी कि दुरुपयोग कर सकता है। आप सोचिए, आपके एटीएम कार्ड का कोई जानकारी सभी पहुंच जाती है तो कोई भी ट्रांसफर कर सकता है, आपके बैंक अकाउंट के पैसे भी ले सकता है, कुछ भी कर सकता है, समझ रहे हैं आप लोग। तो एक तरह से डेटा आज के युग में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। नवीन साइबर सुरक्षा नीति की आवश्यकता की बात करें तो नई चुनौतियां साइबर सुरक्षा की समक्ष नई चुनौतियों ने मैं डेटा गोपनीयता, कानूनी प्रवर्तन, विदेशों में संग्रहित डेटा तक पहुंच का अभाव, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग, साइबर अपराध और साइबर आतंकवाद पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग का अभाव आदि शामिल है। इसी के कारण और इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। डेटा सुरक्षा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर साइबर खतरों का बढ़ना, संवेदनशील व्यक्तिगत और व्यावसायिक डेटा पर साइबर घुसपैठ और हमलों के दायरे और विकार में वृद्धि होना, महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा आदि डेटा सुरक्षा की नवीन यानी कि नई चुनौतियां पेश कर रही हैं। तीव्र तकनीकी विकास, साइबर परिदृश्य में तेजी से तकनीकी विकास जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G प्रौद्योगिकी आदि के कारण नई यानी कि नवीन सुरक्षा चुनौतियां पेश हुई हैं। साइबर युद्ध, वर्तमान में संगठित साइबर अपराध, तकनीकी सीत युद्ध और बढ़ते राजनीतिक प्रायोजित साइबर हमलों के खतरे सामने आए हैं जिनसे सुरक्षा के लिए मौजूदा साइबर अवसंरचनाओं को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। एक बात आप लोग याद रखिए हमेशा, अब आप सोचें कि आमने सामने की लड़ाई हो, वो जमाने खत्म हो गए हैं, अब ये आपका साइबर हमले हुआ करेंगे, साइबर युद्ध भी हो सकता है। आप समझिए कि आपके अंतरिक्ष में आपकी कोई सैटेलाइट है,
अगर कोई देश उसे गिरा देता है तो आप सोचिए कि आपकी कनेक्टिविटी एक तरह से टूट जाएगी, एक तरह से आप लोग वैसे ही भी हार चुके होंगे। तो इस पर भी प्रावधान इसीलिए इस तरह की बात की जा रही है। लास्ट में कह सकते हैं कि चीन के साथ तनाव के बाद स्वतंत्रता दिवस पर घोषित ये परियोजनाएं डिजिटल इंडिया पहल के लक्ष्यों को प्राप्त करने, दीर्घकालिक डिजिटल सुरक्षा को मजबूत बनाने और देश को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करेंगी। तो ठीक है, आप बाकी याद रखिए। वैसे आपसे बोल चुका हूं कई बार कि इस तरह के प्रधानमंत्री साहब के, जब भी आपके प्रधानमंत्री जो भी हो, वो अगर इस तरह के भाषण देते हैं, इस तरह की बात करते हैं, तो आप लोगों को उनके भाषण सुनना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं इससे, ठीक है?